से ये जो हमारे लोकल क्राइम्स हैं इनके भी क्राइम रेट्स निकाले, वो ख़त्म नहीं हुए हैं, वो ज़रूर हैं, मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, इधर हर चीज़ को पॉलिटिसाइज किया जाता है, यहाँ अगर कोई मासूम दहशतगर्दों की शिकार होता है तो उसको कोई दुनिया में कोई सियासी पार्टी वाजिया नहीं करता है कि आज दहशतगर्दों ने हमारे इतनी मासूम लोग मारे। लेकिन अगर कोई चोर एक मोटरसाइकिल चोरी करता है तो उसको हम असम्बली में भी ले जाते हैं, मेरे ख्याल में कुछ लोग तो उसको अक़वामे मुत्तहिदा तक भी पहुँचा देते हैं। वीर साहब, ये बताएं कि अभी डेडलॉक है किस चीज़ के ऊपर, और अभी लवाइकिन अगर इस्लामाबाद जाने का ऐलान करते हैं तो हुकूमत उनको जाने देगी? डेडलॉक इस बात पर है कि सियासी पार्टियां आज अपनी मफादात चाहती हैं और अपनी मुतालबात चाहती हैं। गवर्नमेंट सियासी पार्टियों के मुतालबात और मफादात नहीं देखेगी, गवर्नमेंट जो है लवाइकिंग के साथ खड़ी है। वीर साहब, आपने भी सुना है कि हुकूमत किसी रास्ते में है। आज दिन को हम लोगों के लोग का ये कहना था कि गुज़िश्ता इतवार से आज एक हफ्ता होगा, किसी ने उनसे कोई रास्ता नहीं किया, ना उनके धरने में कोई आया है गादरसी करने के। देखिए ये बात अभी जो खुल्लम खुल्ला दुनिया के सामने है उसको ना मैं एक उंगली से छुपा सकता हूँ ना आप छुपा सकते हैं। ACS ओम अभी भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, बैठते हैं, वो आधी रात तक उनके साथ रबते में, उनके मुतालबात इधर लाते हैं, इधर उन पर डिस्कशन होती है, यहाँ से वहाँ जाते हैं। ये ऐसे जिस तरह रोड पर जाते हुए किसी ने बात की कि कोई नहीं जा रहा है, इतना गवर्नमेंट इतनी भी वो उसके सीने में भी दिल होता है, वो भी इसी आवाम से चुना हुआ होता है, वो अपने आवाम को इस तरह 3 दिन से गवर्नमेंट भी सुकून में नहीं रहती कि उसके आवाम इस तरह ख्वार हो, वो भी ज़रूर ट्राई अपनी कोशिशों में लगा रहता है। तो इसमें हमारे हमारी टीम 24 घंटे लगी रहती है, ऐसी बातों में कोई सदाकत नहीं है। चलिए सर, आपने कल बयान दिया था कि मुतालबात मान लिए गए, क्या डिप्टी कमिश्नर मुअत्तल हुआ है और हाई कोर्ट के जज की सरबराही में कोई ट्रिब्यूनल बना है या नहीं बना है? देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मुतालबात जायज़ मुतालबात, जायज़ मुतालबात वो हैं जो गवर्नमेंट उनको कर सकती है। अभी एक तरीक़ाकार होता है कि आप आते हो कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ, सलाम आते हैं कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ, मैं आप और सलाम की बात में से किसी एक पर यकीन नहीं कर सकता, मैं तहकीकात करूँगा एक कि आप सही कह रहे हो या ये सही कह रहे हैं, फिर उसके बाद एक नतीजे पर आ सकूँगा। अभी इस गवर्नमेंट का एक अपना मौक़िफ़ है, इनका एक अपना मौक़िफ़ है, इसलिए अपोजिशन समेत होम मिनिस्टर की सरबराही में एक कमेटी है कि वो देखे कि कसूर किसका है, किसके खिलाफ़ FIR काटी जाए। थैंक यू। Gracias.